to my respected and children and girls, especially girls. मुझे आज ये मौका आदरणीय लोगों ने मुझे ये दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ. और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि लेडीज यहाँ तक ये प्रोग्राम करके जो अंदर घर में बैठी रहती है वो ये टाइम निकाल कर अपना मूल्यवान जो सुबह मॉर्निंग का जो उनका कामकाज का टाइम होता है वो निकाल कर यहाँ हाजिर हैं, ये देख के मेरा मन गदगद हुआ है. आज यहाँ पे हाउसवाइफ प्लस गर्ल्स दोनों हैं, तो मैं मेरी तरफ से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं भारतीय हूँ, आप सब लोग भारतीय हो, तो अपने भारतीय जो संस्कृति होती है उसका पालन होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए अभी एटमॉस्फेयर में जो आप न्यूज़ वगैरह देखते हो जिसमें लड़कियों के साथ या लेडीज़ के साथ जो कुछ होता है उसके जवाबदार अपन भी थोड़े बहुत हैं. मैं जो निर्भया पथक में आज काम कर रही हूँ, तो आपको मालूम है निर्भया क्या है? 2012 की बात है. निर्भया एक लड़की थी जिसका बस में झुकान हुआ था, तब से ये निर्भया पथक अपनी महिला वो कन्या लड़कियों के लिए निकाला गया है, उनकी सेफ्टी के लिए निकाला गया है. हम आज दिन निर्भया वाले दिन रात जो ड्यूटी करते हैं वो अपनी लेडीज महिला और लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, इनके लिए करते हैं. तो आप लोग का भी थोड़ा सहयोग बनता है कि आप खुद अपने बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, उनको सही संस्कार दो, तो थोड़ा बहुत ये बातों पे अंकुश लगेगा. अकेला पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर सकता ये. पुलिस डिपार्टमेंट 100% एक से 10% कोशिश करना, पण त्याचा सहयोग, तुमचा सहयोग शिवाय आमचं काय होणार नाही. मेरी मराठी प्लस हिंदी है, आप लोगों को समझ रही है? नहीं समझा तो मुझे बोल देना. तो लड़कियों से भी वही निवेदन है मेरा कि आप लड़की बोला तो स्त्री बोला तो श्रेष्ठ है. हर एक काम स्त्री कर सकती है, चाहे तो घर बना सकती है, चाहे तो घर उजाड़ सकती है. पुरातन काल से ही बोलते आए हैं कि स्त्री श्रेष्ठ है. लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी कोई नाम लेता है? नहीं लेता है. लक्ष्मी नारायण फर्स्ट प्राधान्य किसको दिया गया है? लेडीज को. सीताराम, सियाराम बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, यहाँ पे भी लेडीज को ही दिया गया. जब शुरू से ही लेडीज को नाम देते गए हैं और लेडीज ही श्रेष्ठ है, तो अपन क्यों पीछे रहना? अच्छे कामों के लिए लेडीज फर्स्ट. मुझे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मेरे जलगांव की लेडीज लड़कियाँ सब श्रेष्ठ हैं, सब काम कर सकती हैं. ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो लेडीज के लिए. जेंट्स को भी हरा सकती है हर एक काम में. जेंट्स से श्रेष्ठ होती है, इसके लिए कहीं से कम नहीं समझना. जो आज सुन रही है लड़कियाँ सुन रही हैं, अपने साथ की लड़कियों को कहीं देखते हो कि अपनी छोटी सी छोटी लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसको अंकुश लगाओ, उसको तोड़ दो. क्या बात है, क्या कर रहे हो? बच्ची को सपोर्ट दो. आपको नज़रों में जो आता है उसको सपोर्ट दो ना, थोड़ा सा लड़कियों को सपोर्ट दो ना. बहुत लड़कियां मुझे, उनको टॉर्चर किया जाता है कॉलेज के बाहर. जो मैं जाती हूँ, बाहर के लड़के लोग रहते हैं, कॉलेज के नहीं रहते, लेकिन बाहर के लड़के लोग ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो हम लोग उनको ट्रीटमेंट देते हैं. और यही अगर माँ बाप, अगर बेटा माझा पोरगा है, काय होणार त्याचा, हे विषय सोडून जायचा. पोरगा असो की पोरगी असो, त्याला संस्कार देणं आवश्यक आहे. आणि लेडीज के लिए, माँ के लिए, मौसी के लिए, नानी के लिए, आजी के लिए, बहन के लिए, बाजूवाली के लिए, बाकी दूसरी लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट सिखाना अपना माँ बाप का काम है. तो वही एक विनंती करती हूँ कि अपने बच्चे, अपने भाई बहनों को, भाइयों को भी, हाँ नहीं तो अपना भाई है, हाँ चले, ऐसा नहीं. लेडीज ने अपने बच्चों को, भाइयों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है. ये एक विनंती है मैं जी, बाकी धन्यवाद.